हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। ठंड के दिनों में होटल जैसी स्वाद वाली मसाला चाय का मसाला आज हम बनाएंगे। इस मसाले को आप एक बार बनाकर 6 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 20 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दालचीनी, 2 काली वाली बड़ी इलायची जिसे हमने खोल कर लिया है, 20 ग्राम सौंफ। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज का जायफल जिसे हमने तोड़ कर लिया है। बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। मसाले को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, केवल मसाले से नमी दूर हो जाए। लगभग 3 मिनट मसाले को हमने लगातार चलाते हुए भून लिया है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 7 से 8 तुलसी की मांझर। आप चाहे तो इसमें तुलसी के पत्ते को सुखाकर भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूखे हुए गुलाब के पत्ते। मसाले और पेन दोनों गर्म है तो इसे भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। और अब हम मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। मसाले को अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 10 ग्राम या 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर। सौंठ पाउडर की जगह पर आप इसमें सूखी हुई टुकड़े वाली सौंठ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे हमें मसाले को भूनते समय ही तोड़कर डालना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर। आप चाहें तो केसर को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सभी को हल्का सा दरदरा रखते हुए पीस लेंगे। हमें इसका ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। मसाले को हमने इस प्रकार से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम मसाला चाय बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में 1 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चाय पत्ती, 3 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून चाय का मसाला। अब हम पानी को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। पानी जब अच्छे से उबल जाएगा तो अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम 4 से 5 मिनट तक चाय को अच्छे से उबलने देंगे। 4 से 5 मिनट चाय को हमने उबाल लिया है और चाय बनकर तैयार है। तो अब हम इसे छान लेंगे। चाय में पत्ती और चीनी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। सर्दियों में आप इस मसाले को ज़रूर बनाकर रखें और मसाला चाय का मजा लें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।